ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं आज का राशिफल। आज स्वाभाविक बात 15 मई और आज का जो बुधवार अष्टमी तिथि राशि फल। हम राशि फल में जाएं उससे पहले टारो फल को देखते हैं। एक्स और फुलफिलमेंट अबाउंडेंस आज का कार्ड निकल रहा है। इस कार्ड का इतना ही जिस्ट है कि हेल्प अदर्स एंड नॉट ओनली विथ यू योर मनी बट ऑल्सो विथ योर विजडम प्रोवाइड गाइडेंस टू दोज हु स्ट्रगल। यू विल बी रिवार्डेड। अगर आप दूसरे को गाइड करते हो तो आपको रिवार्ड मिलेगा। एंड वन काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रकल्स भी ये 10 टेस्टिकल्स दिखा रहा है यहाँ। और आप अपना और दूसरे का कल्याण के लिए कोशिश करें। ये टारो फल का बेसिक मैं यहाँ बहुत लंबा नहीं जा रहा, एकदम शॉर्ट में लेके चलते हैं। आज का हम लोग देखते हैं ताश का कार्ड का फल क्या बोल रहा है, तो उसको निकालते हैं। तो आज का कार्ड में आपके सामने है 8 ठिकड़ी। और 8 ठिकड़ी क्या बोलता है? 8 ठिकड़ी हमारे इसमें बताया गया स्मॉल डिस्टेंस टूर एंड ट्रेवल्स। और इसमें धन संपद उपहार इत्यादि का प्राप्ति और संपर्कीय से सहायता साधारण धन का प्राप्ति, तो ये पॉजिटिव है। पासा गोटी क्या बोल रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 नीला 5 5 बैलेंस डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा बातचीत, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन, बिजनेस के लिए बढ़िया, नौकरी पैसा के लिए यहां बढ़िया नहीं है। दिन स्मूथ चल सकता है अगर आप चाहो तो, मैनेजमेंट में जाओ तो। अब 5 नेचुरल नंबर को अगर देखे, 5th हाउस 5 नंबर बुध का, सूर्य का, इस 5 एक बेस्ट बिल्डअप करता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब बात करते हैं वास्तुफल। जैसे कि आप जानते हैं वास्तु देवता 3 महीना में अपना सर परिवर्तन करते हैं, तो वर्तमान सूर्य जहां होंगे 3 महीना का गोचर में उसका अल्टरनेट सर रहता है। और अभी जैसे वैशाख है तो वैशाख महीना में ये जो वास्तु पुरुष है इनका पश्चिम में सर, उत्तर में दृष्टि। तो इस हिसाब में वास्तुफल बनता है। इस समय डिग्री वाइज वृष राशि में चले गए तो दक्षिण पूर्व के ओर जिसका भी घर का है, और इस समय सूर्य पूर्व की तरफ गोचर कर रहे हैं वास्तु पुरुष का सर इधर, तो दृष्टि वास्तु पुरुष का जिस तरफ है तो उत्तर दृष्टि, पश्चिम में सर। तो इनके घर में नेचुरल अगर वास्तु बैलेंस है, आनंद सुख मजा मस्ती सफलता प्रोग्रेस, उसके अल्टरनेट डायरेक्शन में प्रॉब्लम रहेगा। तो डिग्री वाइज 1 डिग्री का जिसका घर रहेगा, अपना कंपास में देख लेना इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन में बताया अभी, तो उनका लिए थोड़ा सा गुड रहेगा।
1 डिग्री 2 डिग्री, जिसको पता नहीं घर कितना डिग्री मुड़ा है किस तरफ है, तो उनको क्या कहें, जिनके लिए 0-0 कौन साइड विथ ईस्ट, वो लोग का पास ऊर्जा खत्म हो गया, अभी आगे चले गए, वो साल भर के लिए ऊर्जा हमको मिल गया, आगे सूर्य जाएंगे फिर उसमें सूर्य मैग्नेटिक एनर्जी वास्तुमंडल का दृष्टि तीनों को मिला के आपका घर का फल बनता है। चलिए आगे चलते हैं। ये सूर्य जैसे जैसे अभी उग्रता से नीचे नीचे जाएंगे, दक्षिण स्वर में कमी होने लगेगा, वाम स्वर में वृद्धि होने लगेगा, बहुत मिनिमम होगा, इधर आके जाके बढ़ता है, हालांकि उसका वास्तु विचार तो अलग है। तो चलते हैं हम लोग आज का बुधवार वैशाख्य शुक्ल, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी का नंबर फल 15/5/1/6 शुक्र का दिन। तो जो लोग का भी जन्म 6/15/26 उनके लिए बेस्ट, सुइटेबल, सपोर्ट, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती, भोग, सफलता। यहाँ पर एनिमी नंबर 1 जिनका भी 1/10/19/28 वहां थोड़ा सा नॉट गुड। बार फल में चलते हैं, बुध बार का जिनका जन्म है, मैं जिनका शुभ है वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिनके लिए घात बार बुधवार बनता है, कर्क राशि लग्न, उनके लिए बुधवार नॉट गुड रहता है। और इस बुधवार में अगर द्वितीया सप्तमी द्वादशी आ जाए नॉट गुड रहता है। तिथि अष्टमी, तो इस अष्टमी तिथि में जो मुख्यतः कुंभ वालों का अष्टमी, धनु का अष्टमी, ये घात तिथि, सिंह का अष्टमी घात तिथि में चलता है, इनको तिथि के अनुसार डे वाइज देखना, अगर तिथि बैलेंस नहीं किए हो तो लाइक वो दिन का आपका कोई काम का नहीं रहता है। अष्टमी शुक्ल फल होता है वृथा, कोई काम का नहीं, और इस प्रकार का हो जाए तो और भी वृथा। अष्टमी ये बनता है भोलेनाथ शिव शंभो, तो सुबह सुबह भोलेनाथ का याद करके काम करिए, सफलता मिले। तिथि फल, बार फल, लग्न फल, होरा फल में जाए उससे पैर थोड़ा सा पंचांग के ऊपर नजर। आज अष्टमी योग वृद्ध करण दृष्टि नक्षत्र अश्लेषा और पक्ष शुक्लवार बुधवार सूर्योदय 11:52 अस्त 1:29 AM 1:29 चंद्र उदय चंद्र अस्त सूर्योदय 5:30 सूर्यास्त 7:05 चंद्रोदय 11:52 AM चंद्र अस्त 1:29 AM ऋतु ग्रीष्म चंद्र राशि कर्क 3:25 के बाद सिंह में चले जाएंगे। शक संवत 1946 काली संवत 5126 विक्रम संवत 2081 अभिजीत कोई भी नहीं। राहु काल 12:17 to 1:59 PM तक दिशाशूल उत्तर राशि बल वृषभ कर्क कन्या तुला मकर कुंभ बल रहेगा। नक्षत्र अश्विनी भरणी रोहिणी आद्रा पुष्या अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी हस्ता स्वाति अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा श्रवणा शतभिषा उत्तर भाद्रपद रेवती इनमें बल रहेगा। बार बुधवार है। वृष लग्न राशि उदय में बुध का हो रहा टॉप गुड बेस्ट वाम स्वर श्वास संभावना और इस वृष के माह में सूर्य यहाँ इसका फल दे दिया हूं, थोड़ा सा आप लोग जरूर देखिएगा क्या फल होने वाला है। आज बुधाष्टमी भी है तो थोड़ा सा पुष्कर दोष देख लेते हैं। अद्य मृत्यु भक्ति पुष्कर दोष नास्ति रजश्चक्र कन्या व्यंधा व्यंध्या लेकिन इसका 1:42 सुभागा उत्तम फल प्राप्ति 1:42 के बाद गंडदोष तो इसका शांति जरूर करें। इनके शांति का विधान अलग अलग पंचांग में अपना देख के उसका जरूर कर लेना चाहिए। कर्क राशि के लिए घात बार थोड़ा सा इनको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। वृषभ लग्न तुला का अष्टम मिथुन का द्वादश सावधानी के साथ पार करना सुबह सुबह। ड्राइविंग वगैरह अगर सुबह कर रहे हो तो थोड़ा सावधान ड्राइवर लोग।
कुछ ड्राइवर भी मेरे को देख रहे हैं, सुन के बड़ा चिंतित हुआ, मतलब खुश लगा कि गाड़ी चलाते चलाते मेरे को सुन रहे हो, लॉन्ग रूट के ड्राइवर थोड़ा सा देख के भाई गाड़ी चलाते चलाते ये सब सावधानी के साथ। मिथुन लग्न 9:32 और ये 9:32 के टाइम में चंद्रमा शनि और बृहस्पति का होरा इन करता रहेगा, तो यहां एक प्रकार का मिसमैच एनर्जी, स्लो डाउन दिखाई देगा, थकावट दिखाई देगा। वृश्चिक के लिए अष्टम, कर्क के लिए द्वादश, इनको थोड़ा सावधान। कर्क 11:46 तक इस समय मंगल सूर्य का होरा रहेगा, उग्रता भरा दाहिना स्वर, क्रोधपूर्ण स्थिति, काम बनने नहीं देने वाला परिस्थिति। ये धनु के लिए अष्टम, सिंह के लिए द्वादश, इनको सावधान रहे। इसके बाद कन्या लग्न 4:03 तक इस समय चंद्रमा शनि का होरा रहेगा, अच्छा रहेगा लेकिन स्लो, फ्रिक्शन भरा, तनावपूर्ण, आइसोलेट। तुला का द्वादश, कुंभ का अष्टम, सावधान रहे। सिंह लग्न मकर का अष्टम और कन्या का द्वादश वालों को थोड़ा आज का दिन और ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि यहां जब अष्टम भोग करता रहेगा, क्रॉस करता रहेगा, उसी समय आपका लग्न पड़ रहा है, ड्राइविंग में सावधान मकरू वाले। तुला लग्न 6:16 तक शाम का टाइम पड़ेगा, तो इस समय मंगल और सूर्य का हो रहा, फिर से वही अग्निकारक तत्वों में आ रहा है, मतलब अग्नि एनर्जी आ रहा है, फायर एनर्जी आ रहा है, और तत्व में और इसमें दोनों में अगर देखते हैं बाधा ही दिखाई दे रहा है, स्लो डाउन ही दिखाई दे रहा है, क्रोध और उग्र और झमेला झंझट झगड़ा आज का दिन। इस लग्न होरा को बाम स्वर में बैलेंस करके चलोगे तो काम बनेगा। राशिफल मेष के लिए 4 और 5 दोनों गुड नहीं है, एक में भय, एक में कॉन्फिडेंस में कमी, एक में गलत निर्णय, विवेकहीनता, गलती हो सकता है। दोनों चंद्रमा को, एक में राहु देख रहा है, एक में शनि देख रहा है, तो मेष के लिए यहाँ बहुत अच्छा फल तो आज नहीं कहूंगा। वृष के लिए तृतीय से चतुर्थ फर्स्ट हाफ में काम निकालो, जो डेट टाइम बताया हूँ, सेकंड हाफ नहीं बनेगा, काम बाधा होने वाला रहेगा। यहाँ 90 से एनर्जी फट करके फ्लक्चुएट कर जाने वाला है, आपकी बॉडी एनर्जी थकावट भरा हो जाएगा और फेलियर दिखाई दे रहा है। मिथुन के लिए बात करते हैं, द्वितीय चंद्रमा जब 17 में एनर्जी रहेगा, सट करके यहाँ पर 70-80 में एनर्जी आएगा, मस्त है सेकंड हाफ आपके लिए, काम करो सेकंड हाफ में, कुछ निर्णय लो, एनर्जी बढ़ा रहेगा, थकावट से कमी रहे। केकड़ा के लिए 70 रहेगा, फट से 17 में डाउन हो जाएगा एनर्जी, यहाँ शनि के चंद्रमा दृष्टि में है तो बड़े सारे ट्रैफिक जाम और स्लो डाउन काम। और आगे देखें तो यहाँ पर ये जो परिस्थिति दिखाई दे रहा है, सिंह के लिए भी ये चंद्रमा शॉट डाउन ब्रेकडाउन वाला भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 70% का ऊर्जा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से विमर्शता और भय देगा। 70% गुड, 30% यात्रा में परेशानी। कन्या लॉस है, खर्चा है, तनाव है, बढ़िया तो दिख नहीं रहा है। चंद्रमा फिर से आके यहाँ भिड़ेंगे केतु के साथ, तो यहाँ फर्स्ट हाफ लाभ चंद्रमा, सेकंड हाफ नुकसान चंद्रमा, नॉट गुड। तुला के लिए बात करते हैं, दोनों कर्म सिद्धि योग और लाभ आपके लिए दोनों ही ठीक ठाक है, लेकिन बहुत होप मत करना, बिगड़ा हुआ परिस्थिति भी रह सकता है। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो यहाँ आज थोड़ा सा राहत और सफलता दिखाई दे रहा है, 70-80% का एनर्जी, कर्म सफलता बढ़िया है। धनु के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो अष्टम से राहत, नवम के ओर थोड़ा समाधान, लेकिन रोग युक्त भी दिखाई दे रहा है। मकर के लिए बात करते हैं, जो भी काम निपटाना है सुबह तक निपटा लो, उसके बाद अष्टम चंद्रमा शुरू हो जाएगा, परेशानी भरा रह सकता है, थोड़ा तनाव युक्त तो देगा, यहाँ कंडीशन अच्छा नहीं है। बात करते हैं कुंभ के लिए, सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती विथ फियर फोबिया एंड डिप्रेशन, एनर्जी 70 लेकिन रिजल्ट बहुत कुछ नहीं है। मीन के लिए बात करते हैं, पंचम से छठा की ओर जा रहा है तो मस्त रहेगा, चिंता का कोई विषय नहीं। कुंभ के लिए यहाँ पर
दोनों ही ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, आरोग्यता सफलता, लेकिन 7.5 का पुल भी रहेगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा, फिर भी काम निकाल सकते हो, कुछ काम तो बन जाएंगे। अब यहां चंद्रमा, देखो भाई ये तो गंडमूल में क्रॉस करेंगे ना अभी, तो आज का जो अश्लेषा नॉट गुड नक्षत्र, लेकिन ये अश्लेषा के बाद फिर से मघा आ जाएगा, तो रोग जिनका है बढ़ेंगे। दोनों नक्षत्र का अगर कर्मफल निकालते हैं, अश्लेषा जादू टोना टोटका दंड बदला लेना तंत्र मंत्र जंतर, और ऐसे ही ये जो मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र भी ध्वंस प्रलय बर्बाद तोड़ फोड़ मोड़ डिस्का डिस्ट्रक्शन शत्रु युद्ध बदला, मन में तो नेगेटिव आएंगे। इस अश्लेषा मघा में ठग के धन प्राप्ति, झूठ बोलना, मुकदमा, असंतोष, स्त्रियों में अशांति में वृद्धि, मघा में कान में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और बड़बोले बिना फालतू का बड़बड़ बड़बड़ करके परेशान, सडन नुकसान और क्षति, गुप्त कार्य में निरत, गुप्त काम से धन प्राप्ति, दूसरे का धन चुराने का संभावना, और अशांति मन में, कर्म में बाधा, चर्म रोग कुछ एग्रावेट हो सकता है, चिंताग्रस्त, कम पैसा मिलेगा, ये नक्षत्र चंद्रमा का फल है यूनिवर्सली। इनको यानी कर्क और सिंह को ज्यादा इफेक्ट होगा, और इनसे जिनको नवम पंचम में है या केंद्र में हो रहे हैं उनको ज्यादा इफेक्ट होगा, देख लेना। अब उतना सारा एक्सप्रेशन करूंगा, वीडियो बहुत लंबा होगा, तो आज भी नक्षत्र फल दो होंगे, तो आज अश्लेषा और मघा में जा रहा है, तो शुरू करते हैं। अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु आपके लिए जन्म अति मित्र में है, ठीक है। भरणी मेष पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्व साढ़ा धनु आपके लिए मित्र अति मित्र में जा रहे हैं, अच्छा है। कृतिका मेष वश उत्तरा फाल्गुन सिंह कन्या उत्तरा साढ़ा धनु मकर आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक और मित्र में जा रहा है, फर्स्ट हाफ नॉट गुड सेकंड हाफ गुड। रोहिणी वृष हस्ता कन्या सर्वणा मकरु आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा में फर्स्ट हाफ गुड सेकंड हाफ नॉट गुड। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक दोनों ही ठीक है चलेगा। आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी में जा रहे हैं, मस्त है, ये भी चलेगा। पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद कुंभ मीन आपके लिए जन्म विपद क्षमा में जा रहा है, फर्स्ट हाफ गुड सेकंड हाफ नॉट गुड। पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन संपद विपद में जा रहा है, फर्स्ट हाफ गुड सेकंड हाफ नॉट गुड। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठ वृश्चिक रेवती मीन जन्म संपद में जा रहा है, चले बोले। तो ये था डिटेल आज का, राशि फल, लग्न फल, होरा फल, तारीख फल, नंबर फल, निरोजी फल, बार फल, नक्षत्र फल, राशि फल, तास कार्ड फल, टारो फल, वास्तु फल, कॉमन मिनिमम में जितना बताया जा सकता है बताया। इसको एक्सप्लेनेशन, इतना सारा विषय को अगर विस्तार करें तो एक दिन का राशिफल एक घंटा, फिर आप बोलोगे इतना लंबा कौन देखेगा। शॉर्टकट में हर चीज का सम्यक रूप में जानकारी, हालांकि टारो को ही तीन कार्ड का एक्सप्लेनेशन करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आज का एनर्जी अगर सिंह में चंद्रमा और वृष का लग्न को देख के अगर फलित करते हैं, 1, 2, 3, 4 का चंद्रमा मूवमेंट में, तो आज का स्वास्थ्य और मनस्थिति, विमर्श, धन स्थिति, एक छुड़ा एक हित नहीं दिखाई दे रहा है। देखो सारा को मिला दो, जितना फल बोला उन सारे फल को मिला और गृह स्थिति को भी देख लो, तो धन का स्थिति नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे। पराक्रम का परिस्थिति नहीं कहेंगे, वृथा ही देखो, इधर वृथा फल और इधर ग्रह फल को भी दे, अब खुद अनुभव कर लेना यहां से, चंद्रमा से भी और लग्न से। आज का प्रेम प्यार चेंजेस एनर्जी को भी देख लो, दोनों में पाप प्रभुत है, नॉट इफेक्टिव एजुकेशन, मन नहीं लगेगा। शादी और दाम्पत्य दोनों का कंडीशन को देखो, यहाँ फेल्योर स्टेट में बैठा हुआ है, तो दिन वृथा तो दे दिया, तो ग्रह स्थिति भी चंद्र स्थिति भी वृथा बता रहा है। आज का भाग्य को दोनों घर को ही देख लो, फलित कर लो चंद्रमा का गति के अनुसार, सेकंड हाफ गुड आ रहा है, थोड़ा सा गुड आ रहा है। लाभ का परिस्थिति को देखें,
कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी ग्रह स्थिति के अनुसार लाभ तो दिखाई दे रहे हैं। तो ये था डिटेल। धन्यवाद। नमस्कार।